हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको फाउंडेशन का एक रिव्यू करूंगी। जिस ब्रांड का आज मैं आपको रिव्यू कर रही हूं, उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के बारे में या फिर ब्रांड के बारे में बोल लीजिए तो ब्रांड के वो सब जानते हैं। आपको वो ब्रांड छोटे यूट्यूबर से लेकर बड़े यूट्यूबर के पास, एक बिगनर से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट तक के पास आपको ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस ब्रांड का प्रोडक्ट आपको देखने का मिलेगा। हाँ, तो आज मैं बात करने जा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, तो आज मैं इसके साथ बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। इसकी MRP, इसकी पैकेजिंग, इसकी क्वालिटी, इसकी क्वांटिटी, एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होगा वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही मैं अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड करूँ आपको सबसे पहले वो नोटिफाई हो जाए। इसके अलावा आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन है। इसमें जो मेरा शेड है वो है 128, इसमें मेरा शेड है। इसके अलावा इसमें ये लिखा है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है। सबसे अच्छी बात पता है क्या इस फाउंडेशन की, इसके अंदर SPF भी है। हाँ जी, तो इस पर SPF भी है, 22 SPF है। यानी एक बार आपने अगर सनस्क्रीन अप्लाई कर रखा है, आप चाहो तो मतलब दोबारा से आपको ये सनस्क्रीन वाला ही प्रोटेक्शन देगा आपके फेस के ऊपर। इसके अलावा अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो ये ऊपर ब्लैक कलर की कैपिंग दे रखी है, नीचे ग्लास बॉटल है। ठीक है, क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी दिख रही है इसके अंदर। इसके अलावा इस पे जो कह रखा है कि मेबेलिन फिट मी का ये फाउंडेशन है मैट प्लस पोरलेस है। इसके अलावा ये आपके फेस पे जो ऑयल आता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है 16 आवर्स तक, ये इसके फ्रंट पे बता रखा है। इसके अलावा पीछे एक ब्लैक कलर का चिट लगी हुई है इसके ऊपर, इसके ऊपर भी सारी यही इन्फॉर्मेशन है कि ये ऑयल को कंट्रोल करता है। सेम वही इसके अंदर SPF है, SPF 22। और इसके अलावा ये बता रहा है कि बिल्कुल कम्फर्ट से अप्लाई हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है हमारे फेस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी फाउंडेशन लगाया और वो मैं बाहर गई तो वो मेल्ट हो गया, नो। ठीक है, तो ये ऐसे ये प्रोडक्ट के बारे में इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके बारे में प्रॉपर अच्छे से डिस्क्राइब में बता रखा है प्रोडक्ट के बारे में। इसके अलावा इसमें MRP बता रही है 629 रुपीज़, बट ये आपको अगर आप ऑफर में लेते हो तो 500 या 525 या 550 के अराउंड ये आपको ऑफर में मिल जाएगा, बट जब ऑफर चल रहा है तब। अगर ऑफर नहीं चल रहा है तो ये आपको MRP रेट पे या उसे 2-4 रुपये कम ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करूँ मैं तो क्वांटिटी है इसकी 30 ml, और इस तरीके से खुलता है, पंप की फॉर्म में आता है, जो कि ये जो पंप का यूज़ है ये आपको इजी बनाता है कि आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको जितने भी ड्रॉप चाहिए आप उतना प्रोडक्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट की बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। इसके अलावा अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, ये देखिए। आप चाहे तो इसे फिंगर्स पे ब्लेंड कर सकते हैं, ये देखिए फिंगर के साथ साथ ही आप चाहे तो ब्रश, स्पॉन्ज, जो भी चाहे उससे आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो भी जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, बस कंडीशन ये है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छे से प्रेप होनी चाहिए, मॉइस्चराइजर अच्छे से लगा होना चाहिए अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके थोड़ा टैप 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 करेंगे अगर, तो ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसके कवरेज की बात करूँ तो कवरेज ये मीडियम टू हाई करता है। मतलब अगर आप एक ड्रॉप लेकर लगाते हैं अपने फेस पे तो आपको मीडियम कवरेज चाहिए देगा। अगर आप चाहें तो इसकी कवरेज को आप और बिल्ड भी कर सकते हैं अपने फेस पर, जैसा भी आपको चाहिए आप वैसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं इसके बारे में और सब कुछ तो बता ही चुकी हूँ आपको, प्राइस से लेकर जितनी भी इसकी पैकेजिंग वगैरह वो सब। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ या कोई भी फाउंडेशन में यूज़ करना कैसे पसंद करती हूँ, तो मैं एक पम्प मॉइस्चराइजर और एक पम्प मैं फाउंडेशन का लेती हूँ, दोनों को मिक्स करती हूँ, देन मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। रीज़न बिहाइंड इट कि मेरी स्किन थोड़ा ड्राई है तो फिर थोड़ा वो पैची सा लुक आने लग जाता है एक टाइम बाद, तो इसलिए उसको थोड़ा हटाने के लिए कि वो पैची लुक ना आए, उसको इग्नोर करने के लिए मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आपकी ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है तो आप अच्छे से पहले अपना फेस मॉइस्चराइज करके उसके बाद उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप कहते हैं तो फिर मैं अपने आप फेस पे भी अगर आपको थोड़ा सा फर्क लगा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने लगाया, हल्का सा आपको बस पैट करना है, पैट करते 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 अपने आप ब्लेंड हो जाएगा। ये देखिए पहले मेरे फेस पे लगा हुआ है, पहले ही मेरे फेस पे हल्का सा बेस मेकअप हो रखा है, बट ये देखिए मैंने आपके सामने लगाया और ये फिंगर से ही ब्लेंड हो गया। मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो अब मैं इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेती हूँ कि मुझे इसके क्या प्रोज लगते हैं क्या कॉन्स लगते हैं। तो सबसे पहले तो ये पंप
कि उसमें आता है पैकेजिंग में, जितना भी यूज़ है उतना ही यूज़ होगा, मतलब उतना ही पंप लोगे आप, आपका प्रोडक्ट जो है वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा क्वांटिटी, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बहुत अच्छी मिलती है। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ कि इसमें SPF भी मिल रहा है आपको, अगर मतलब कभी आप स्किप भी कर देते हो, अगर आपकी टैनिंग नहीं होती स्किन पे, तो इतना SPF भी सफिशेंट होता है, आप लगा के जा सकते हो। और इसके अलावा ये आपके फेस पे जो ऑयल है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हमारे फेस पे ऑयल आता है, उस ऑयल को भी ये हमारा कंट्रोल करने का काम करता है। अच्छा, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या चाहते हैं, हमें कैसा किस प्रकार का कवरेज चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई चाहिए, उस तरीके का हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको चाहिए कि आपको हल्की लाइट नॉर्मल नेचुरल सा लुक चाहिए, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं मेरे को तो पार्टी वगैरह में जाना है, बिल्कुल थोड़ा हाई मेकअप चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है, आपके पास स्पॉन्ज नहीं है, अगर कोई बिगनर है, तो हाथ से भी इजीली अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये तो मैंने इसके सारी बात कर ली प्रोज की। इसके अलावा अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ, तो कॉन्स ये है, ये कांच की बोतल में आता है, अगर कांच की बोतल नीचे एक बार हमसे छूट गया तो ये पक्का बोतल टूट जाएगा, तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा कॉन्स लगा। थोड़ा लास्ट पैकेजिंग में थोड़ा मेरे हिसाब से इस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। एक प्रोज ये भी हो सकता है इसका कि इसके अंदर जो वैरायटी ऑफ शेड्स आपको अवेलेबल है, हमारी वैरायटी ऑफ इंडियन स्किन टोन्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो शेड्स है फिटमी वालों ने, मेबलिन वालों ने जो है बहुत सारी इंडियन स्किन टोन्स के अंदर बहुत सारे शेड दे रखे, तो जौन सा भी आपका राइट शेड है आप वो पिक करके यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है, आप चाहे तो अपने रूटीन मेकअप रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।